आज की सभा के अध्यक्ष सम्मानित बुजुर्ग सुखदेव जी, अभी सभी भाई और बुजुर्ग जी माला अर्पण कर रहे हैं। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। सम्मानित साथियों, अपनी विचारक से पहले वैज्ञानिक क्षेत्र में विज्ञान को पढ़ाने वाले तथागत बुद्ध लॉर्ड मैकाले, पूर्व प्रधानमंत्री वित्त सिंह जी, वित्त मौर्य जी, ज्योतिबा फुले जी, अन्य महापुरुष, विश्व के सभी वैज्ञानिक और मातृशक्ति, सभी को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी सम्मानित लोगों को जय भीम करते हुए बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करता हूं। साथियों, जो आज समाज यहां पर उपस्थित हुआ है, इस समाज हमारे भाई सज्जन समाज के कर्मठ नेता रवि गौतम जी की पीड़ा को सुनकर उसका समाधान निकालने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। साथियों, मुझे खुशी है कि समाज की कोई पीड़ा होती है, समाज उस पीड़ा को अपनी पीड़ा मानते हुए अपना मार्गदर्शन देने में कभी पीछे नहीं रहता। साथियों, रवि भाई की जो पीड़ा है टिकट काटने की, ये पीड़ा रवि की नहीं है, ये पीड़ा इस समाज की है। और ये पीड़ा काफी लोग, चाहे देश राज्यों, चाहे रवि गौतम जी हो, और उससे पहले भी चंद्रशेखर की पार्टी में वीरेंद्र सिरस है, उनकी भी कहानी रही है, और ऐसे बहुत सारे लोगों की कहानी सत्ता में ये रही है। मुझे भी एक बार ऐसा मौका मिला, हालांकि मैं नहीं उसको ज्यादा नहीं बताऊंगा, अलग बात है पार्टी फंड में लोगों से पैसा मांगा जाता है। और ये समाज के बारे में आप सब जानते हैं, उतना नहीं पैसा दे सकता। जब टिकट मिल जाता है, थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके फिर उसकी बोली लगाई जाती है। ये सबसे बड़ी समाज की पीड़ा। साथियों, इस पार्टी का गठन इस बहुजन समाज में मिलकर के इन सब पीड़ाओं से दुखी होकर, चाहे भ्रष्टाचार की हो, चाहे हमारे साथ सदियों से होते हुए भेदभाव की हो, उन सब के समाधान के लिए पार्टी का गठन हुआ था। उसमें पार्टी के गठन करके पार्टी को उस स्तर तक पहुंचाने के लिए, जिस स्तर तक बहन जी चार चार बार मुख्यमंत्री बनी, बहन जी मुख्यमंत्री अपने कर्म से नहीं बल्कि बहुजन समाज के संघर्ष से और कड़ी मेहनत से बनी है। अगर ये बहुजन समाज साथ में नहीं होगा तो पार्टी जीरो है, और आज भी जीरो है, कल जो ऊंचाई तक पहुंची थी जीरो पर आ गई है। इसका कारण क्या है? इसका कारण पनपता हुआ भ्रष्टाचार है। साथियों, रवि भाई की पीड़ा है, इसके लिए मैं आपको मार्गदर्शन, उसमें अपना समाधान अपना बताना चाहता हूँ। ऐसा रवि गौतम
के साथ हुआ और आगे भी होता रहेगा। जो पार्टी आज लोगों के मन में एक भय पैदा हो गया है, जिस पार्टी को सीखा वो पार्टी आपके वोटों को बेचने का काम कर रही है, इसको रोकने के लिए जीएसटी में एक सुधार लाना होगा। सब टिकट का बंटवारा हो, जो जो दावेदार हो उन दावेदारों की लिस्ट लेकर के और एक छोटे बच्चे से लॉटरी सिस्टम लागू करके जिसका टिकट वो बच्चा जिसका नाम निकाल देगा वो फाइनल होना चाहिए। और उसके बाद टिकट काट करके अगर दूसरे को दिया जाता है तो करप्शन का मुकदमा पार्टी के उच्च अधिकारियों पर जो जो उसमें शामिल है उनके खिलाफ होना चाहिए। अगर भ्रष्टाचार को आपने नहीं रोका तो ये समाज जीरो पे आ जाएगा। इस भ्रष्टाचार और भेदभाव के कारण ये समाज सदियों से पीड़ा पीड़ित रहा है। तो साथियों मेरा ये सुझाव है, और नहीं रवि गौतम की बात, भाई रवि गौतम को ये समाज ने खड़ा किया है। टिकट कटने पर इस समाज का मान सम्मान गिरा है, समाज अपमानित हुआ है। रवि गौतम का मान सम्मान से ज्यादा हुआ है, ज्यादा मान सम्मान इस समाज का गिरा है। तो इस समाज को तो समाज के सम्मान को ध्यान में रखते हुए अगर दोबारा आवाज उठा करके बहन मायावती जी के मन में कोई अपना विचार पैदा रवि गौतम भाई के उसमें नहीं होता है, पक्ष में समर्थन में नहीं होता है, दोबारा टिकट गाजियाबाद से नहीं दिया जाता है।